नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आरके सर आज आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। मैं इनसे पहले एक कोडिंग डिकोडिंग का की लेसन दे चुका हूं। आशा करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने इस कोडिंग डिकोडिंग या विभिन्न प्रकार के जो मैं सेटों का इजहार किया उन पर आप लोगों ने जो तहलका मचाया, मैं आपका कितना शुक्रिया करूं शायद कम है। मुझे आशा से अधिक उम्मीद होता है कि मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं मैं अपने भरोसे और ताकत पर डालता हूं, क्योंकि आपकी हर एक कामयाबी मेरी कामयाबी होती है। क्योंकि आप के लिए मैं प्रयास रखता हूं कि हर ढंग की सवाल परीक्षाओं में उन सवालों को दागा जाए जो आपको परीक्षाओं में उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग से हर परीक्षा में दो चार सवाल रहते ही हैं, और मैं सोचता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग को बारीकी से तोड़े ताकि आपके कामयाबी आप कामयाबी तक आसानी से आसानी तरीके से पहुंचकर आप कामयाबी को प्राप्त कर सके। इसलिए आपसे कहना है, कोई साथ दे या ना दे, तू चलना सीख ले, हर आग से वाकिफ होकर तू चलना सीख ले, तुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, तू आरके के बात पर एक बार चलना तो सीख ले। मैं कह देना चाहता हूं कि गरीब सोच कभी अमीर पैदा नहीं कर सकता। यदि जिंदगी में यदि जीना है तो अमीर सोच रखो, बड़ा सोच रखो। आरके के हर वीडियो को आप देखो, क्योंकि छोटे शहर से बड़ी बात करने के लिए निकला है। इसलिए आपने जिस उम्मीद के साथ मुझे हर भरोसे पर, हमारे भरोसे पर, हर कसौटी पर आप उतर कर और कम समय में 1000 सब्सक्राइब पूरा कर आपने जो हमें उम्मीद दिया, मैं वाकई आपके लिए कितना इजहार व्यक्त करूं शायद कम है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं कोडिंग डिकोडिंग को आज गर्दम गोल उड़ाने का कोशिश करता हूं। इसलिए आपसे कहना है, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाते हैं, स्वप्न के मुश्किलें दिल के इरादे अजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहें से हटाते हैं, हौसला मत हार, गिरकर मुसाफिर, ठोकरे ही इंसान को राह पर चलना सिखाते हैं। चलिए सवालों के दौर में चलते हैं। बंधु, पहले देखिए, सर्वप्रथम कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे बेस के लिए अच्छी इंतजामात जरूरी है। आपका यदि जिंदगी में कंपटीशन में कम्पीट करना हो तो अच्छे नींव की जरूरत है। अच्छे नींव के लिए थोड़ा सा अच्छे कामयाबी, अच्छी लगन, अच्छी मेहनत करना ही आपके लिए बहुत बड़ी समस्या तो उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन एक बार समस्या जरूर उत्पन्न करती है। तो चलिए हम पहले ए से जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 26 लेटर लिखे, सबका काउंटिंग वैल्यू पहले हम लिख देते हैं ताकि समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी प्रत्येक लेटर के काउंटिंग वैल्यू हम याद कर लेंगे। याद करने की सरल तरीका, दिन में 3 बार आप पढ़िए, कबड्डी के तरह गाना जिस तरह से गाते हो उसी तरह से आप 3 बार करें। मुझे आशा ही निपुण विश्वास है 3 दिन में आपको हर लेटर नाम लेंगे, आपका काउंटिंग वैल्यू आपके ओठों पर आ जाएगी। इसलिए आइए, करना है कैसे, ए का एक, ए एक, ए एक, ए एक, बी दू बी दू बी दू बी दू, सी तीन सी तीन सी तीन सी तीन, डी चार डी चार डी चार डी चार, ई पांच ई पांच ई पांच ई पांच, एवं प्रकार से 26 बार कर दें और दिन में 2-3 बार करें। 2 दिन में आपको गेट वाय हट हो जाएंगे। तो चलिए सवाल के दौर में चलते हैं। आज टैब 4 लेकर मैं 3 टैब को शामिल कर चुका हूं और देखिए मैं बिल्कुल बेस के आधार पर हर सवाल को क्रैक करना चाहता हूं। तो चलिए ए डी, यदि राम को आई ए डी कहा जाए तो उसी भाषा में
मोहन को क्या कहा जाए? यदि राम को IAD कहा जाए, राम कोड है, IAD डिकोड है, तो सर्वप्रथम आप काउंटिंग वैल्यू रखें, R का वैल्यू कितने नंबर पर है? 18 नंबर पर, A 1 नंबर पर, M 13, I 9, 1 और 4, D का वैल्यू 4 है। अब देखें राम कोड है, IAD डिकोड है, यानी राम से IAD कैसे बना, उसी प्रकार मोहन को बनाना है। तो हर लेटर का काउंट वैल्यू रखे। अब देखिए R का वैल्यू 18 होता है बंधु, 18 एक और 8 से बनल होता है, 18 एक और 8 से बना हुआ है, तो 8 1 9 दोनों अंक को डबल डिजिट वाले के अंक को जोड़ कर देंगे और सिंगल को सिंगल ही रखेंगे, तो 8 1 9 है। फिर देखिए A जो है 1 नंबर पर है, सिंगल है, तो सिंगल 1 ठीक है। फिर देखिए M 13 से बना हुआ है, 13 जो है 1 और 3 से बना हुआ है, तो दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 यहां है। यानी कहने का मतलब डबल अंक वाले को जोड़कर सिंगल, सिंगल सिंगल ही। फिर M 13 है, 13 1 3 के योग कितना होता है? 4। और शुरू के लेटर से शुरू लेटर R है या I है, तो 9 जो का त्यों। बिचला A 1 सिंगल सिंगल। फिर देखिए M 4 D भी 4। उसी तरह से देखें M का वैल्यू 13, O 15, H 8, A 1, N 14। यानी डबल अंक वाले को जोड़ दें, 13 है तो 1 3 बराबर क्या होता है? 4। शुरू का लेटर शुरू में जाएगा 4, 4 नंबर पर होगा D। फिर देखें O का वैल्यू 15, 15 1 5 से बना हुआ है, 5 1 6, 6 नंबर पर F। फिर देखें H 8 सिंगल है, तो सिंगल जो का त्यों 8 H। फिर देखें A सिंगल है, A जो का त्यों। फिर देखें N 14 है, तो 14 1 4 से बनल है, 4 1 5, 5 नंबर पर क्या होता है? E। जिस तरह से राम को IAD कहा गया है, उसी तरह से मोहन को DFHAE कहा गया है। फिर देखें दूसरा सवाल लिया जाए तुरंत, क्वेश्चन नंबर 2। AEH रोड बराबर वाट। यदि हीट को BAEH कहा गया है, उसी भाषा में रोड को क्या कहा जाए? मैंने इससे पहले बताए थे कोडिंग डिकोडिंग जब भी होता है, शुरू शुरू या अंत शुरू से रिलेटेड होता है। अब देखिए एच का वैल्यू 1, ई 5, ए 1, 20, 2, 1, 5, 8, सब लेटर का प्लेस वैल्यू रखे। अब देखिए इधर कुछ डबल अंक वाले भी हैं और सिंगल अंक वाले भी हैं, इधर जितना भी लेटर है सिंगल में है, इसका मतलब है कि डबल अंक वाले जुटकर सिंगल बन गया है, सिंगल सिंगल ही है। अब देखिए शुरू के शुरू लेटर से या अंत शुरू, कोड का अंत टी है, डिकोड का शुरू लेटर डी है। अब देखिए 2 और 0 को जोड़े तो क्या होता है? 2। डबल अंक जुटकर सिंगल बन गया। फिर देखें ए सिंगल है तो सिंगल, 5 जो है सिंगल तो सिंगल, फिर 8 सिंगल है तो सिंगल। उसी तरह से अंत और शुरू, अंत वाले लेटर को हम शुरू ले चल जाएंगे और डबल को जोड़कर हम सिंगल करेंगे और सिंगल को सिंगल ही रखेंगे। R 18, O 15, A 1, D 4, यानी 4 सिंगल है तो 4, अंत वाला लेटर शुरू जा रहा है तो D, A सिंगल है A। फिर देखिए O 15 है तो 15 1 और 5 से बनल है, तो 5 1 कितना होता है? 6, 6 नंबर पर क्या होता है? F। फिर देखिए 18 1 और 8 से बना हुआ है, जोड़कर कितना होता है? 9, 9 नंबर पर क्या होता है? I। जिस तरह से हीट को BAEH कहा गया है, उसी तरह से रोड को DAFI कहा जाएगा। फिर क्वेश्चन के टाइप को हम बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल देखें, तीसरा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि पेन को QW कहा जाए तो वर्क को उसी भाषा में क्या कहा जाए। अब देखिए बाएं तरफ कोड में चार लेटर हैं, दाएं तरफ डिकोड में दो लेटर हैं। इसका मतलब बाएं के दो लेटर और दाएं के एक लेटर, फिर दो टुकड़ा में किए और दोनों टुकड़ा को पहले प्लस वैल्यू लिखे, पी का वैल्यू 16, ए का 1, आई 9, एन 14, क्यू 17, डब्ल्यू 23। यानी बाएं बगल के दो लेटर दाएं तरफ के एक लेटर। अब शुरू शुरू से हो जा रहा है या अंत शुरू से हो जा रहा है, तो देखें 16 1 17 है। फिर देखें इस दूसरा भाग को जोड़ते हैं तो 14 9 23 होता है, तो 23 है 16 1 17। तो यानी पहले दो लेटर को जोड़कर पहला लेटर एक लीटर, अंतिम दो लेटर को जोड़कर 23, अंतिम एक लीटर। उसी तरह से वर्ग के पहले भाग को जोड़कर एक लीटर बनाएंगे, तो W का 23, O का 15 जोड़ दें, 23 और 15 कितना होता है 38। 38 तक लेटर नहीं होते हैं, तो इसमें 38 में से 26 घटा दे, टोटल लेटर 26, तो कितना हो जाता है 12। 12 नंबर पर कौन सा होगा लेटर L। दूसरा देखें R का वैल्यू 18, K का वैल्यू 11, दोनों को जोड़ेंगे 18 11 कितना होता है 29। 29 तक लीटर होता नहीं है, तो यहां पर भी 29, 29 में से 26 लीटर घटा दें तो कितना बच जाता है 3। 3 नंबर पर क्या होता है सी। उसी तरह से हम क्या कहेंगे उसको, हम LC कहेंगे। फिर देखें अगला क्वेश्चन, पेयर रीड बराबर व्हाट। फिर देखें एक हम शुरू शुरू से दे रहे हैं, एक सवाल अंत शुरू से दे रहे हैं, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की झटका ना लगे। तो चले यहां देखें बाएं तरफ चार लेटर दाएं तरफ दो लेटर, यानी कहने का मतलब कोड के दो लेटर डिकोड के एक लेटर, लेकिन शुरू के दो लेटर या अंत शुरू के दो लेटर, इस पर करना है। अब देखें पहले वैल्यू बैठाए 16 1 9 18 1 और 17। अब देखें इन दोनों को जोड़ते हैं 18 9 कितना होता है 27। 27 तक लेटर नहीं होता, तो 27 में से 26 गया तो 1। फिर देखें यहां पर देखें यानी अंत के दो लेटर शुरू के एक लेटर हो जा रहे हैं, उसी प्रकार से 16 1 17 17 यहां पर है, उसी प्रकार से दो भाग कर दे, पहला भाग दूसरा भाग, और दूसरा भाग पहली जगह पर चल जा रहा है R 18 E 5 1 और 4। अंतिम दो लेटर जुटकर पहला लेटर, तो 4 1 5 5 नंबर पर क्या होता है ई। फिर देखें शुरू के दो लेटर अंत चल जा रहा है 18 5 23 23 नंबर पर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। जिस तरह से पेयर को AQ कहा गया है उसी तरह से रीड को EW कहा गया है। यानी अब हम देखें जोड़ा वाला हम दिखाए, अब देखिए कई लेटर से एक लेटर कैसे बन पा रहा है, एकदम बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे आज, एक थोड़ा सा भी हम ग्रेस देने वाले नहीं है, इसलिए टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत का तक तो ताज नहीं होता, अंधेरों में खोज लेती रोशनी अब जुगनू, रोशनी जुगनू किसी के रोशनी का मोहताज नहीं होता भाई। आप से हो शेर के भांति रौंदो और हर सवाल को हर कामयाबी को अपनी तरफ मोड़ लो। चलो एक बार आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते चले, आपको मैं कह देना चाहता हूं कि कोई परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी सवाल आपको छूट नहीं सकता है, टाइप दर मैं हर सवाल को आपके सामने पेश करते चल जाऊंगा, आप केवल देखते चल जाए, अच्छा लगे तो आगे बढ़ा दे। चलिए फिर सवाल के दौर में, अब
देखिए कई लीटर से एक लीटर कैसे बन पा रहा है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कैट को इधर तीन लीटर है, इधर डिकोड में एक लीटर है, तो कई लीटर से एक लीटर बन जा रहा है, तो ये कैसे बनेगा? तो आइए बंधु देखिए, सी का वैल्यू तीन, ए का वैल्यू एक, टी का वैल्यू बीस, एक्स का वैल्यू कितना होता है? चौबीस। अब देखिए इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो बीस एक इक्कीस, तीन कितना हो जा रहा है? चौबीस हो जा रहा है। तीनों लेटर के अंक को जोड़ने से 24 के बराबर हो जा रहा है। उसी तरह से बी का वैल्यू दो, ए का वैल्यू एक और टी का वैल्यू 20। अब जोड़े 20 एक इक्कीस, दो कितना होता है? तेईस। तेईस नंबर पर कौन सा लेटर बनेगा? डब्ल्यू बनेगा। बिल्कुल आप समझते होंगे। फिर आगे बढ़े, फिर देखें कैट को एप कहा जाए, उसी भाषा में बैट को क्या कहा जाए? कैट को यदि हम ऐप कहते हैं तो उसी भाषा में हम बैट को क्या कहते हैं? उसी भाषा में हम बैट को क्या कहते हैं? फिर देखें सी का वैल्यू तीन, एक, बीस और छ। अब देखिए तीनों लेटर से छ अंक के बराबर पुर जाना है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए जोड़िए, सबको जोड़ते हैं तो टोटल अंकों का योग कितना होता है? चौबीस। अब 24 जो बना हुआ है दो और चार से बनल है, 24 दो और चार से बना हुआ है, और दो चार को अब जोड़ने से, घटाव करने से, या गुणा करने से, या भाग करने से, या औसत करने से बन पा रहा है। देखें तो हम क्या करते हैं, चार दो, दो और चार को क्या करेंगे कि छह पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो चार दो छ के बराबर होता है, यानी कैट के टोटल अंक का योग हो गया 24, और दो और चार को जोड़ने से छ हो जा रहा है। उसी तरह से दो एक बीस सबको जोड़ते हैं तो 23। अब दोनों अंक के बीच में जोड़ है तो जोड़, तीन दो पांच, पांच नंबर पर क्या बनेगा? ई बनेगा। फिर देखें कैट को, कैट को तीन एक बीस एच कहा जाए, एच मतलब आठ, उसी तरह से बैट को क्या? अब देखिए यहां एप कह रहे हैं, उसी कैट से कैसे कैसे बन रहा है, एक ही कैट कैसे कैसे मतलब कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। हम फिर सबको जोड़ते हैं बंधु, तो बीस चार चौबीस होता है, और दो और चार को हम क्या करेंगे, काट पड़ेगा तो गुना करते हैं, तो चार दुना आठ, उसी तरह से हम सबको जोड़े तो 23, और दोनों अंक के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना कर दिए, तो तीन दुना छह, छह नंबर पर क्या बनेगा? छह नंबर पर कौन सा लेटर बनेगा? एफ बनेगा। फिर देखें अगले सवाल, यदि हम कैट को ई कर देते हैं, बैट बराबर वाट, सॉरी कैट को हम कहते हैं चार, तो उसी भाषा में बैट को हम क्या कहेंगे? अब देखिए चार कैसे होगा, हम जोड़ते हैं तो टोटल इसका तीन एक बीस पांच, सबको जोड़िए तो एक बार, तीन एक चार बीस सात चौबीस पांच उनतीस होता है, उनतीस होता है तो उनतीस तो हाई नहीं, जोड़ते भी हैं तो नौ दो ग्यारह के होता है, चार नहीं पुरता है, गुना भी करते हैं तो नौ दो अठारह नहीं पुरता है, घटो भी करते तो नहीं होता है, औसत भी करते तो नहीं होता है, तब कौन सा ब्रेन लगाएंगे? तब देखें, तब हमें काउंटिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं पड़ता है। टोटल लेटर कितने? एक दो तीन और चार, उसी तरह से गिन ले, क्या लेटर है? एक दो और तीन, तो क्या कहेंगे? तीन कहेंगे, यानी चार को हम क्या कहते हैं? डी भी लिखा जाएगा, और तीन को क्या लिखेंगे? हम सी भी लिख सकते हैं।
फिर देखें एक सवाल, यदि हम कैट को एक्स बराबर व्हाट, देखें आठ है, आठ पर कैसे पुर जा रहा है। अब देखें गिने एक दो तीन और चार लेटर है, तो टोटल लेटर की एक दो तीन और चार, चार का क्या हो दुन्ना आठ हो जा रहा है, यानी लेटर का दुन्ना हो जा रहा है। उसी तरह से गिने एक दो तीन चार और पांच, तो पांच का क्या करेंगे दुन्ना दस, दस नंबर पर कौन सा लेटर होगा जी होगा। इन्हीं चंद सवालों के साथ आरके सर को दे इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।